हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोमा। स्वागत है आप सभी का मेरी रसोई में। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी मार्केट स्टाइल सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी दही भले की रेसिपी। यह दिखने में जितना टेस्टी है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। दही बड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे सफ़ेद उड़द का दाल लिया है। इसे मैंने 4 घंटे पहले पानी में भिगा करके रख दिया था। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट सोक करके भी रख सकते हैं। इस कटोरी से मैंने 1 कटोरी दाल लिया है। आप किसी भी बाउल, कप या कटोरी से मेज़र कर सकते हैं। आपके पास जो भी उपलब्ध हो आप उसी से मेज़र करें। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छी तरह से फूल के तैयार हो गया। अब हम इसको पीस लेंगे। इसे पीसने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार लिया है। अब इसमें हम यह दाल को डालते जाएंगे। आप अपनी दाल की क्वांटिटी के अनुसार डालें। इसे 2 बैच में भी आप पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 हरी मिर्च लिया है। अदरक और हरी मिर्च डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालेंगे। पानी यहाँ पर आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, बिल्कुल कम पानी डालना है। पानी डालने से यह बहुत अच्छे से पीस जाता है। इसके लिए हम पानी डाल करके एकदम थोड़ा सा पीस लेंगे। आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से पीस चुका है। देख सकते हैं आप, मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपको पीसना है। इसका बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही इसकी थिकनेस चाहिए। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप बड़ा बाउल का इस्तेमाल करें क्योंकि इसे हमें फेंटना है। आप देख सकते हैं इसका पेस्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये खाने पे बड़े जब मुँह में दाल का फ्लेवर आता है तो बहुत टेस्टी, बहुत अमेजिंग, बहुत डिलीशियस लगता है। तो इसे आप थोड़ा सा दरदरा पीसें। अब ऐसे ही करके हम सारा दाल को पीस लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सारा दाल को पीस के तैयार कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा सा मिला देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। अदरक और हरी मिर्च सारे पेस्ट में अच्छी तरह से मिल जाए। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, इसका एक अच्छा फ्लेवर लाने के लिए इसमें। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच अजवाइन। अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको इसमें डालने से बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। जीरा और अजवाइन का फ्लेवर इसमें बहुत टेस्टी लगता है, तो आप इसे ज़रूर डालें। अजवाइन डाइजेशन के लिए सही होता है। अब इसको हमें बहुत अच्छी तरह से फेंटना है। ध्यान रहे आप इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें, ना कि अलग अलग डायरेक्शन में। एक ही डायरेक्शन में फेंटने से होता ऐसा है कि बहुत सारा एयर इसमें जनरेट हो जाता है और इसका बैटर बहुत ही फ्लफी तैयार होता है, जिससे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ये परफेक्ट बना है कि नहीं, बैटर परफेक्ट तैयार हुआ है कि नहीं, इसके से चेक करने के लिए हम यहाँ पे 1 कटोरी पानी लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यह बैटर ऊपर तैरने लगा है, मतलब हमारा बैटर बहुत ही परफेक्ट तरह से तैयार है फ्राई करने के लिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक करके और रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि बड़ा बहुत अच्छे से रेडी हो। अब ये रेस्ट हो रहा है, तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे धनिया पत्ता लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 से 4 लहसुन, अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप स्किप करें, 2 हरी मिर्च, यहाँ पे आप पुदीना का पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। अब हम डालेंगे नींबू का रस। अब इन सब को जार में डाल करके अच्छी तरह से हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ा सा पानी डाल करके इसका जार का ढक्कन बंद करेंगे और इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए हमारी टेस्टी हरी चटनी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रही है। इसका कलर भी देख सकते हैं आप, कितना टेस्टी दिख रहा है। और यह इमली की चटनी मैंने पहले ही बना के तैयार किया था, तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।
5 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं बैटर भी बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हम इसको चेक करके दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कितना एयर जनरेट हुआ, बहुत अच्छे से फ्लफी बना है इसका बैटर। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इस पे कढ़ाई रख करके इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल डाल करके इसे अच्छी तरह से गर्म करना है। ये देखिए तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालकर चेक करेंगे कि तेल प्रॉपर गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए ये ऊपर तैरने लगा है इसका बैटर, इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे और इसमें हम डालते जाएंगे बड़े को। मीडियम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यह बहुत अच्छे से पक जाए। ये देखिए बड़े को हमें मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है। हाई फ्लेम करने से ये ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रह जाते हैं, और लो फ्लेम पे सिकने से ये होता है कि बहुत सारा तेल पी लेता है अंदर और ये एकदम ऑयली ऑयली सा बन के तैयार होता है बड़े। तो इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। यह देखिए बहुत दुगुना हो गया है इसके क्वांटिटी, आप देख सकते हैं। इतने छोटे छोटे पकौड़े डाले थे, ये बहुत बड़े हो गया है, दुगुना आ गया है। ये देखिए इसे नीचे से कलर चेंज हो गया। अब हम इसे पलट करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं बड़ा कितना फ्लफी, कितना फुला फुला हुआ है, बिल्कुल ऐसे। अगर आप इसे अच्छी तरह से फेटेंगे तो ये बड़े ऐसे ही फूल के तैयार होंगे, बड़े बड़े साइज दुगुने साइज में तैयार हो जाएंगे। ये बड़ा फ्राई हो रहा है, तब तक हम इसका पानी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 गिलास पानी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक यहाँ पे कम ही डालें क्योंकि हमने बड़े में भी इस्तेमाल किया है नमक। और 1 चुटकी हींग। हींग डालने से इसका इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, दही बड़े में बहुत टेस्टी फ्लेवर रहता है और बहुत ही यम्मी लगता है। ये देखिए पानी तैयार हो गया, अब हम बड़े को कढ़ाई से निकाल देते हैं। देख सकते हैं बड़ा कितना टेस्टी और क्रिस्पी दिख रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इन सब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए है ना बहुत टेस्टी बड़ा। बस ऐसे ही करके हम सारा बड़ा फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है। अब इसी प्रोसेस से हम सारे बड़े को फ्राई कर लेंगे। इसे दोनों तरफ से पलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं बहुत कम पोर्शन में ही बैटर डाल रही हूँ और इतना बड़ा बड़ा दुगने साइज में बड़ा तैयार हो जा रहा है। बिल्कुल आप इसी प्रोसेस से फेटेंगे तो बड़े ऐसे ही सॉफ्ट फुले फुले बनेंगे, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ एक बड़े। ये देखिए बड़ा कितना टेस्टी बना हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, और ये कितना स्पंजी है आप देख सकते हैं। मैं इसे आपको दबा दबा के भी दिखा रही हूँ, बस इसे थोड़ा सा दबा दे रही हूँ फिर भी यह अपने साइज में आ जा रहा है। अब हम सारे बड़े को पानी में डाल देंगे। सारे बड़े को पानी में डाल करके इसे स्पून से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए ताकि पूरे तरह से पानी में डिप हो जाए। अब इन बड़ों को अच्छे से डिप करने के लिए इसमें थोड़ा सा एक प्लेट रख देंगे और एक बड़ा सा प्लेट रख करके इसे ढक करके लगभग 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पानी में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। यह रेस्ट हो रहा है तब तक हम दही बना लेते हैं बड़े के लिए। यहाँ पे हमने 1/2 किलो दही लिया है, इसमें हम 2 चम्मच चीनी डालेंगे क्योंकि दही भरा थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें क्योंकि यहाँ पे हमने पानी में भी नमक का इस्तेमाल किया था और बड़े में भी। अब इसको एक विस्कर से स्पून या फिर इस प्रकार के दाल घोटनी से लेकर के इसे अच्छी तरह से घोट देंगे। बिल्कुल ये देखिए बहुत ही स्मूथ एकदम क्रीमी टेक्सचर आ गया है। अब 5 मिनट हो चुका है, बड़े को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यह बड़ा पानी को बहुत अच्छे से पी लिया है। अब हम इसको निचोड़ करके अच्छी तरह से पानी निकाल देंगे। आप देख सकते हैं अब इसी प्रोसेस से हम सारे बड़े को निचोड़ करके पानी निकाल देंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी दही बड़ा बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें से इतने सारे ऑयल निकला। अब हम इस पानी को हटा देंगे।
और ये देखिए बड़ा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, प्रॉपर कलर भी चेंज हो गया है। अब इसको मार्केट स्टाइल फिलिंग लाने के लिए हम इसको एक दोने में सर्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम डालेंगे दही बड़े बड़े। अब इसमें डालेंगे दही जो मैंने फेट करके तैयार किया था, बिल्कुल अच्छे से डालते जाइए। और दही ही डालने से देख सकते हैं आप बहुत टेस्टी दिख रहा है। अब इसमें डालेंगे हरी वाली चटनी। अब इसमें डालेंगे इमली की खट्टी मीठी तीखी चटनी। देखिए बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ना। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह से डाल देंगे। सबसे पहले भुना हुआ जीरा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती और थोड़ा सा सेव भुजिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये हमारा मार्केट स्टाइल सुपर सॉफ्ट सुपर टेस्टी डिलीशियस दही भले बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं कलर ये बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ आप सबसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।